तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी वीडियो में। और आज हम गेम प्ले करेंगे बाइकर के अंदर। और आपको पता ही है छोटा सा मैप है, इसके ऊपर बड़ा मज़ा आता है गेम खेलने का। तो चले पर उतरते हैं प्लेन से और देखते हैं कितना अच्छा गेम प्ले कर पाते हैं। एंड में थोड़ा सा हो गया स्कैम और वो अब आप एंड में देखिएगा, जब तक भी आपका सरप्राइज है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन तो दबाते जाएँ। भाई ये पैराशूट हमारा खुल गया है और अब हम लैंड कर रहे हैं। और एक ही बंदा को मुझे दिखा था ऊपर से आते हुए। अब देखते हैं कि और इसके अलावा कौन कौन है। और लैंड करने के बाद तो सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ही होती है कि भाई गन मिल जाए, क्योंकि गन के बगैर तो आपको पता है कुछ है ही नहीं गेम के अंदर। मतलब डायरेक्ट फिनिश हो जाएंगे अब अगर आपको गन नहीं मिली। अब ये क्या हुआ, मतलब मैं जा रहा था घर के अंदर और उस पर अचानक से मैं कहीं और हो गया। तो भाई ये ग्लिचेस हैं गेम के, तो गेम के ग्लिचेस से तो भाई हम कोई ग्लिच शुरू कर ही नहीं सकते भाई। लेकिन देखें चले, हमें अच्छी गन तो मिल गई है, अब हम देखते हैं कि हम कितना अच्छा गेम प्ले कर पाते। तो भाई यहाँ कोई शॉटगन चलाया जा रहा था, कम से कम काफ़ी देर से शॉटगन चल रही थी। तो अब हम मुझे बंदा तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले ढूंढते हैं बंदे को, फिर मैंने सोचा पहले लूट करते हैं, बंदा तो मिलता ही रहेगा और फिर हम मारते ही रहेंगे। अभी भी 59 लोग अलाइव थे, तो मैंने कहा बहुत है भाई अभी। तो देखते हैं भाई कि हमें कितने किल मिलते हैं और हम अच्छा गेम प्ले कर पाते हैं, क्योंकि बस हम यहाँ लूट ही कर रहे हैं अपनी फ़िलहाल तो। और भाई यहाँ टीम मेट ने किसी को शायद मार दिया, धुआं निकल रहा था भाई इसमें से ग्रीन कलर का। इसलिए भाई हम भी उसी तरफ चल पड़े, देखते हैं आगे और कौन मिलता है, कोई मिलता है कि नहीं, और साथ साथ में लूट भी करते जाएंगे। तो भाई फिलहाल तो हमारी लूट ही चल रही थी, और ये सामने से मैंने देखा कि मुझे कुछ मूवमेंट नजर आई लोगों की। तो मैंने सोचा भाई यहाँ से तो काफी दूर पड़ जाएगा, तो थोड़ा करीब जाके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे किसी ने टीम मेट ने किसी को मार के भी रखा हुआ था, और सामने मुझे कुछ बंदे भी नजर आ गए। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इन पे फायरिंग करते, और यहाँ पे बंदे को फायर कर लेते हैं। उस बिल्डिंग के बिल्कुल एज के साथ छुपा हुआ था, जो कि यहाँ से नजर तो आ रहा था लेकिन उस पर एम ठीक से नहीं लग रहा था। भाई पीछे से टीममेट भी आ रहा था, ये मेरे लिए अच्छा था कि हम दोनों मिलकर आप फायर करेंगे। और अब देख ही रहे थे, मैंने इसको एमआरपी कर दिया है, फिर मैंने कहा भाई देख ले तू भी यहाँ पे, और अगर थोड़ा बहुत तुझे भी नज़र आया तो भाई प्लीज़ को भी फायर मार देना, ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो भाई मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा एंगल चेंज करके मारने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या होता है। लेकिन फिर फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं फिर पीछे की तरफ भागा, और मैं यहाँ पर आया जब देखा तो बंदे वाकई मुझे नज़र आ रहे थे। टीममेट ने किसी पर यहाँ पर मार भी किया हुआ था, और बंदा वाकई मुझे नज़र भी आ गया, और अब मैंने इस पर फायरिंग करने का इरादा पूरा बना लिया। देखते क्या होता है, एक उसको पड़ गई यहाँ पे बॉडी, और बाकी फायरिंग मेरी सामने दीवार पर ही लग गई थी भाई। तो भाई फाइनली मैंने काफ़ी यहाँ पे फायरिंग की लोगों के साथ, और एक जो है यहाँ पे नॉक आउट भी हो चुके थे। अब मैंने सोचा यार यही मौका है मेरे पास, यहाँ से भाग के जाते हैं फ़ौरन से उनकी तरफ, इससे पहले कि वो रिवाइव हो जाए और या वो हमें ख़त्म कर दें। तो बिल्कुल सामने से जाना मुझे मुनासिब तो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा राउंड लेके जाते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ये रिफ्ट का फ़ायदा मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए, या फिर फायर हमें डायरेक्ट ना लगे। लेकिन मेरा टीममेट जो है वो बिल्कुल उनके सामने से ही जा रहा था, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा घूम के आया तो यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद हो सकता है इस बिल्डिंग के अंदर हो, तो यहाँ पर भी कोई नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकला, फिर मैं यहाँ से आया इस वॉल के पीछे, मुझे लगा कोई होगा लेकिन उस वॉल के पीछे भी कोई नहीं था। फिर मैं फिर यहाँ कोई आ गया, यहाँ पर भी कोई नहीं था, अंदर भी कोई नहीं था। मतलब बंदा नज़र आ रहे थे मुझे, लेकिन बंदे नहीं दिख रहे थे, वो शायद सामने नीचे की तरफ थे और उन्होंने मेरे टीममेट को वहाँ पर नॉक कर दिया। और अब मैं इनकी तरफ बढ़ रहा था, मैंने देखा भाई इतने कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उन्होंने उसी बंदे को नॉकआउट कर दिया, मेरी टीम मेट को मारा। तो भाई बदला मैंने ले लिया यहाँ पर, और अब उसके बाद मैंने कर दिया। मुझे फुर्सत दो बंदों के आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन दूसरा बंदा भाई मुझे मिला नहीं। दूसरा बंदा गया कहाँ, मैं उसी की तलाश में बाहर निकला, यहाँ आया उस वॉल के पीछे देखा, यहाँ भी नहीं मिला मुझे। दैन फिर मैंने सेट देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दोबारा मैं गया भाई इसको लूटने के बाद, मैं उसके अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आया, चुप के बैठ गया, कोई यहाँ भी कोई नहीं था। खैर मैंने दोनों क्लोज किया, उसके बाद मैंने उसके यहाँ से लूटने देते हैं।
मैंने गलत गन उठा ली थी। खैर यहाँ से इसकी पेटी को भी हमने लूट लिया, उस दौरान यहाँ से बाहर निकले। मैं यहाँ पर बंदा होगा, यहाँ पर भी नहीं था, इस वाले घर में देखा, मैंने सोचा इस वाले घर में आ गया हो, यहाँ भी नहीं था। फिर पेन किलर मिल गया तो मैंने कहा पेन किलर की गोली हो जाता है, ये उठा लेते हैं, ये काम की चीज़ है। उसके बाद भाई हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं बंदा तो मुझे मिला नहीं, दूसरा हो सकता है, शायद मैं टीममेट से मार दिया हो, मैंने देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया उस टाइम। लेट्स सी, अब हम निकलते हैं भाई आगे की तरफ। यहाँ पर हमें एक किल मिल गया था और हमारे दो टीममेट यहाँ पे ख़त्म भी हो चुके थे। मेरा एक टीममेट था जो कहीं दूर बेचारा भटक रहा था, तो मैंने सोचा कि उस टीममेट के साथ ही मिलकर गेम खेली जाए तो अच्छा है। खैर बहरहाल ये टीममेट भी मेरे अपने नहीं थे भाई, दोस्त ये रैंडम थे। मुझे एक बंदा सामने नजर आया भाई, इस शेख के पीछे चुप किया, वो यहाँ से बाहर निकलेगा लेकिन यहाँ से भी नहीं निकला, और फिर मैंने देखा कि वो भागने लग गया बेचारा। फिर मैंने देखा कि वो भागने लग गया बेचारा, तो ये तो शायद बहुत था इसलिए बेचारा डर के भाग रहा था। अब मैंने सोचा भाई यहाँ थोड़ा लेट के जाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतना भी क्या डरना है, किसी आएगा कोई तो देख लेंगे, है ना हमारे हाथ में मौत का सामान, उतार देंगे सारी गोलियाँ उसके अंदर। खैर ये तो होती है तफरीली बात भाई। अब जो भी हमें देख रहा है, जो भी अभी तक वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबा दीजिए। असली वाली सपोर्ट मिलती है आपको, बताया असली वाली सपोर्ट मिलती है इस चीज़ से, और फिर मज़ा भी आता है वीडियो बनाने में। खैर यहाँ पर अब हम जा रहे थे, देखते हैं घरों के अंदर कुछ पता नहीं बैठा हुआ, और भाई अभी टीममेट भी हमारे साथ साथ ही हो गया था तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे शायद किसी को टीममेट ने मारा है तो उसकी बॉडी मुझे मिली, यहाँ पे बहुत था मार दिया, और फाइनली यहाँ पे 3 किल हो चुके थे मेरे। अच्छा गेम चल रहा था अभी तक, 10 लोग लाइफ थे, 11 लोग हमारे अलावा। अब हमने बंदे और बंदों के मार भी नज़र आए थे, तो मैं देख रहा था कि आसपास इस बिल्डिंग के ही है या फिर कहीं दूर है। एक को तो है टीममेट ने यहाँ मार दिया, और फाइनली सामने की तरफ मुझे कुछ मूवमेंट नज़र आ रही थी बंदों की, मैंने टीममेट को मार भी किया भाई, तो यहाँ पर एनिमी थे मैंने फायर किया, लेकिन तब कुछ ना कुछ भाई मेरा नहीं लगा उसको। खैर फिर मैंने एंगल चेंज किया, लाइट राइट हैंड साइड से आया, मैंने कहा भाई यहाँ से देखता हूँ बंदे अगर मिलते हैं तो भाई फायर करते हैं, नजर भी आया मैंने उसको फायर किया, लेकिन भाई मेरी गोलियाँ हो गई यहाँ ख़त्म, जिसका फ़ायदा उठाया उसने। बहरहाल मैंने फिर से फायर करने की, लेकिन बंदा भाई लेकिन मेरा एम पता नहीं क्या होगा भाई, लगी हुआ था 4-3-2-4 होगी। उसके बाद वो फिर बेचारा छुप गया, और एक और उसको पड़ी और वो नॉक हो गया भाई, और साथ ही साथ मेरा टीममेट को भी उन्होंने नॉक कर दिया भाई। रिवाइव देने के बाद देखते हैं कि वो उसको हम क्या कर पाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि वो भी रिवाइव हो चुका होगा या हो गया होगा तब तो मैंने टीममेट को रिवाइव कर दिया, तो उन्होंने भी कर दिया होगा। पूरी एक मुझे लग रहा था स्क्वाड है जो उस तरफ है, मैंने ऐसे देखते हैं पीछे से वो रश तो नहीं मार रहे हमारे ऊपर, लेकिन वो आ नहीं रहते, वो शायद किसी और भी फाइट ले रहे थे साथ साथ। तो भाई मैंने एक ऊपर था बंदा, मैंने उसको भी मारने की कोशिश की, लेकिन जिसको मैंने नॉक किया था उसका किल मुझे मिला नहीं, उस टाइम मुझे रिवाइव हो गया है। और बस अब मैं देख ही रहा था कि यहाँ से मुझे एंगल मिलता है या नहीं, यहाँ से कुछ एंगल नहीं मिला। अब मैं सर अभी दूसरी तरफ से जाकर देखते हैं यहाँ से कल मिलता है कि नहीं, अब यहाँ से भी मैंने देखना था, लेकिन वो बंदा भाई बिल्कुल मेरी तो हिट उससे लगी, उसका एक हिट मुझे लगा, मैं थोड़ा फॉल बैक किया, मैंने कहा ऐसा ना होते हेड शॉट ही ना लगता। मेरे टीम मेट को यहाँ मार्क किया, मैंने कहा भाई यहाँ बैठे हैं देखो, लेकिन वो बिल्कुल ही मतलब मेरे ऊपर ही एम लगा के बैठे हुए थे, और एक और फायर मुझे लगा और मुझे हेल्थ काफ़ी जा चुकी थी। मैंने सोचा यहाँ फर्स्ट एड लगाते, फर्स्ट एड लगा के ड्रिंक पी के फिर निकलते हैं भाई, और एक बार चलो जाकर फिर से जो है फायर करते हैं। बंदे दूर ही थे, पास आ नहीं रहे थे वो, ये सबसे अच्छी बात थी हमारे लिए, वो रश नहीं मार रहे थे भाई, लेकिन वो बंदे बिल्कुल ले के हमारे पे एम बैठे थे। मैं किसी हल्की से मैंने मुंडी मार निकाली फ़ौरन से ही फायर खोल दिया, फिर से मेरी हेल्थ कम हुई। अब इस बार मैंने सोचा भाई बाहर नहीं चलते, अब यहाँ से अब अंदर से ही निकलते हैं भाई, थोड़ी लूट भी मिल जाएगी यहाँ से, और थोड़ा सा उनके पास से निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अंडरग्राउंड होके जाते ये ज़्यादा अच्छा एक इनिशिएट होगा इस गेम के लिए जीतने के लिए। इस टाइम तक हम ये सोच रहे थे कि क्या पता था किसी को लास्ट में क्या स्कैम हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ से हम लूट भी देख रहे थे और निकलने की भी कोशिश कर रहे थे, और यहाँ से फाइनली मैंने रास्ता भी देखा जाने का,
और पेटियां बनी थी मछला से, यहाँ पर मुझे लगता है कि फायरिंग हुई है और बंदों को सही कमा रहा है यहाँ पर। खैर मैंने लूट को मकसद नहीं देखा यहाँ पे, सोचा मैंने कहा यार यहाँ से निकल गए लूट की लोकेशन के बाद में, ऐसा ना हो कि ऊपर जो बंदे हैं वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लें। और अभी तक मैप के वहीं पर लोकेशन आ रही थी, उसकी चेंज हुई नहीं थी और एक कंपनी मेरे को सामने ही था जब तक कि मैं नीचे था, लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुँचा तो वो बंदा वहाँ से उसका मार्क वहाँ से गायब हो चुका था मैप पे। तो मैंने सोचा अब क्या करें भाई, यहाँ से देखते हैं कहीं दिख जाए तो, लेकिन दिख नहीं रहा था बंदा कोई। तो भाई मैंने आसपास अच्छी तरह देखने के बाद मैंने सोचा ऊपर की तरफ जाते थोड़ा एंगल वेंगल अच्छा मिल जाएगा, साथ में मेरा टीम भी बिल्कुल मेरे साथ साथ ही था, तो ये था कि चलो अगर मुझे कुछ हुआ तो ये टीचर वाइफ मुझे कर लेगा। तो यहाँ पीछे से भी मुझे दिख नहीं रहा था बंदा, लेकिन ये सामने मुझे बंदे दिख गया भाई। तो मैंने उस पर फायर किया, लेकिन वो किसी और से फाइट ले रहे थे, पता नहीं कहाँ फाइट कर रहे थे, किससे फाइट कर रहे थे। सामने मुझे कोई नज़र तो नहीं था आया बंदा, मैंने टीममेट को मार दिया और मैंने वो तो भाई मैंने और फिर मैंने मार्क करके टीममेट को बता भी दिया कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा होशियार रहना, ऐसा हो गया भाई तुम्हें फायर कर गया। और भाई एक बंदा बिल्कुल सामने ही था, मैंने कहा अगर इसके सामने से मैं गया तो उड़ाई था, लेकिन वो छुप गया, शायद वो छुपा नहीं था, वो अपनी टीममेट को रिवाइव कर रहा था वहीं पर ही। अब मैंने सोचा क्योंकि सामने से जाना तो थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा भाई घूम के जाते हैं, हो सकता है क्योंकि हमारे ऊपर भी घूम के फायर मारने की कोशिश करे तो भी हम यहाँ से देख लेंगे। और मैं पूरा मतलब एक राउंड काट के बिल्कुल ही सर्कल बना के मैं गया ताकि मैं अच्छे से एंगल ले सकूँ एनिमीज के ऊपर, लेकिन मेरा टीम में था ना भाई वो पीरो प्लेयर था, पीरो प्लेयर वो बिल्कुल सामने से ही जा रहा था और वही हुआ जो मैंने सोचा उसको। मैंने यहाँ पर तो सही मारा और उसके बाद मैं कह रहा था मेरे साथ होने वाला है, और यहाँ एक तो मैंने रखा था लेकिन भाई स्कैम ये हुआ कि बंदे ने मुझे कहाँ से मारा, मेरी नज़र ही नहीं गई मैप के ऊपर। और फाइनली भाई यहाँ पर मैं हो गया ख़त्म, और अच्छा गेम प्ले था भाई, हमने कोशिश की सेकेंड नंबर पर हम आए, चार पीस भी हो गए लेकिन भाई गेम हार गए। भाई गेम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो लोग भी देखें लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाते जाए। मैं मिलूंगा आपके साथ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।